हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा आज का माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। सो देखो क्या लिखा है। इट इज़ मेड अप ऑफ फैक्टर्स दैट आर इंटरनल एंड क्लोज टू फर्म एंड अफेक्टेड ऑन डे टू डे बेसिस। देखो सबसे पहली बात जानते हैं, माइक्रो शब्द का मतलब ही छोटा होता है और मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या एनवायरनमेंट होता है हमारे एंटरप्राइज के लिए या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ऐसे फैक्टर्स इसमें आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के आसपास ही है, और वो चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है, उसकी वर्किंग पे अफेक्ट करती है, उसकी डिसीजन मेकिंग पे अफेक्ट करती है, हर एक चीज़ पे अफेक्ट करती है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अब जैसे कि हमारे अंदर के हैं, इंटरनल में हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे एम्प्लॉयज़। अब हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, मोटिवेटेड हैं, बहुत स्किल्ड हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ हमारे लिए कितनी पॉजिटिव है, अफेक्ट कर रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन वही एम्प्लॉयज़ अगर अनस्किल्ड होंगे, इनएक्सपीरियंस्ड होंगे, उनको कुछ नहीं आता जाता होएगा, तो वही चीज़ हमें नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेगी, है ना, हमारे को लॉस पहुंचा देगी। तो यही होता है माइक्रो एनवायरनमेंट में। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? इट रेफर्स टू फैक्टर्स विच अफेक्ट अ बिजनेस इन जनरल। इसमें वो सभी फैक्टर्स आते हैं जो हमारे बिजनेस को जनरली अफेक्ट करते हैं, यानी अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में, तो आसपास के जो सभी आपसे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सबको ही इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, जनरल शब्द का मतलब ही यही है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी आपसे जुड़ी हुई, जैसे कि अगर आप क्लोथ्स इंडस्ट्री से हैं तो आसपास क्लोथ इंडस्ट्री जो भी होगी, क्लोथ्स की बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन, सबको इम्पैक्ट करेगी। इट कैन बी फर्दर क्लासीफाइड एज माइक्रो इंटरनल इन्वायरमेंट एंड माइक्रो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है माइक्रो इन्वायरमेंट को। एक माइक्रो में इंटरनल होता है, एक माइक्रो में एक्सटर्नल होता है। इंटरनल यानी बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि हो गए हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस, और एक्सटर्नल हो गया ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के आसपास की चीज़ें, जैसे कि कॉम्पिटिटर्स। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लेकिन है हमारे आसपास ही। चलो, मैक्रो एनवायरनमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, इंटरनल मैक्रो में कुछ भी नहीं आता है। जैसे कि एग्जांपल है अपना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हमारी इकोनॉमी में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो भाई बाहर की हो गई है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, हमारी गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस कुछ चेंजेस लेके आते हैं तो बाहर की चीज़ें होगी। जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी में कुछ अपडेट आ गए तो ये सब चीज़ें बाहर की हो गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब अपना क्या है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसके इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं। जो माइक्रो एनवायरनमेंट का इंटरनल एनवायरनमेंट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एनवायरनमेंट है, वो है कंट्रोलेबल, यानी उसको कंट्रोल किया जा सकता है उन चीज़ों को। अब जैसे कि मैंने बताया था एग्जांपल में हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे एम्प्लॉयज़, अब हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं भाई, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनके अंदर स्किल्स और नॉलेज अपडेट कर सकते हैं, उनको एक्सपीरियंस दे सकते हैं, है ना, हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात की जाए तो कंट्रोलेबल टू सम एक्सटेंट का मतलब है कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हमारे कंट्रोल के अंदर है। कुछ चीज़ें हैं, अब जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ गए, तो अगर वो कोई नई स्ट्रैटेजी लेके आते हैं अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, तो उनके जैसी सिमिलर या उनसे कुछ अच्छी स्ट्रैटेजी हम ला सकते हैं, तो कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है इन चीज़ों को। लेकिन जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो अनकंट्रोलेबल है, उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया जा सकता यार। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कोई नया लॉ लेके आई है, अब हम पर्सनली इस चीज़ को लेके बोले कि नहीं, हम इस लॉ को नहीं मानते तो आपको जेल हो जाएगी, लॉ तो आपको वो मानना ही पड़ेगा, है ना, तो आपके कंट्रोल में वो चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है आपके हाथ में नहीं है, आप सिर्फ देख सकते हो, है ना, उसे रोक नहीं सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस एनवायरनमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन मैक्रो एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट जो है मैक्रो एनवायरनमेंट पर डिपेंड है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है, अ न्यू कॉम्पिटिटर एंटर्स इनटू मार्केट। अब एक कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया हमारी मार्केट के अंदर। अब नया कॉम्पिटिटर आने का क्या मतलब है
कि हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट यानी हमारी जैसे कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई कोई भी अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, है ना, तो मैक्रो एनवायरनमेंट में जो रूल था उसी को अप्लाई करके तो कॉम्पिटिटर अंदर आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर बाहर जा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या सेल्स बढ़ा रहे हैं, हम अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे, मैक्रो एनवायरनमेंट के थ्रू। लेकिन अगर मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करो तो ये इंडिपेंडेंट है, यानी इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे गवर्नमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, चाहे हम 10 रुपये कमाएं चाहे हम 100 रुपये कमाएं। लेकिन गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है उस चीज़ का इफ़ेक्ट हम पे तो बिल्कुल पड़ेगा, है ना, लेकिन हम कुछ कर रहे हैं तो इस चीज़ का इम्पैक्ट, अब हम, मैं सारा दिन घर पे बैठी हूँ कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ खाई जा रही हूँ सोई जा रही हूँ, गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, इसमें गवर्नमेंट मुझे आके क्या कौन सा रोक रही है, है ना। तो दोनों में ये डिफरेंस है, मैक्रो एनवायरनमेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो अलग है, उसका माइक्रो से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट अगर GST लेके आती है तो गवर्नमेंट रूल ले आई, बात ख़त्म, लेकिन मुझे ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने माइक्रो एनवायरनमेंट में, यानी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में इसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो इम्पैक्ट हुआ ना मेरे ऊपर, मैक्रो में चेंजेस आ रहे हैं लेकिन मुझे अपने माइक्रो एनवायरनमेंट में भी चेंजेस लेके आने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट हैज़ डायरेक्ट एंड इमीडिएट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। अब जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उसका डायरेक्ट यानी सीधा असर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है और इमीडिएट यानी तुरंत पड़ता है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ का एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं अब वो कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं भाई, तो डायरेक्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लॉस होने लग जाएगा, इमीडिएट यानी तुरंत उसी महीने लॉस हो जाएगा जिस महीने उन्होंने कुछ गड़बड़ी करी है, हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करी। लेकिन अगर यहाँ पे मैक्रो की बात करें तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और ग्रेजुअल पड़ता है धीरे धीरे। अब जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एग्जांपल लेते हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, अच्छी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई, तो ऐसा नहीं है कि आज नई टेक्नोलॉजी आई और कल ही आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं, धीरे 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 आपको फ़र्क पड़ेगा, धीरे धीरे जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन डाउन होती चली जाएगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दीज फैक्टर्स आर नॉट as much complex as compared to macro environment। ये factors इतने ज़्यादा complex नहीं होते हैं, इनको समझना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि यह है तो अपना internal environment, ये अपने आसपास का environment, तो थोड़ी बहुत study से उसको analyze करने से हम इसको predict कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन macro environment की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा complex होता है, इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब भाई कब government क्या नया law बना दे, नया rule बना दे, जैसे GST ले आई, demonetization ले आई, हमें क्या पता भाई government के दिमाग में कब क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता लगता है ना, तो इसको समझना और predict करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इससे वीडियो ख़त्म।